Hello dear students, I am Vaishali, English language trainer. Welcome to my YouTube channel New Urban Computer Classes. तो आइए आज की हमारी क्लास होगी going on. आज की हमारी क्लास है going on. तो मेन जो चीजें इसमें हमारी going on से कहेंगे, मतलब जो चीज हमारी कैसे चल रही है, जैसे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, तो इस तरह से जो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम किस तरह से करेंगे, और किसी ने अगर सेकेंड पर्सन ने हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो हम उसका आंसर कैसे देंगे. बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जितनी भी नई नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिएगा गोइंग ऑन, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है. अक्सर हम पूछते हैं और हमसे भी पूछते हैं, तो देखिए कैसे बोलेंगे हम हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. अगर हमें किसी से पूछना है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तो हम उससे इस तरह से पूछेंगे हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. ओके, कैसे बोलेंगे हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है. अगर आपको यह पूछना है आपकी लाइफ कैसी चल रही है तो यहाँ पर आप स्टडी की जगह चेंज करेंगे हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन. ठीक है, जिसको चीज के लिए भी आप पूछना चाह रहे हो वो यहाँ पर आप एड कर देंगे. फिलहाल हम पूछेंगे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. इस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीट करें हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन. आंसर देखते हैं, इसके आंसर किस किस तरह से देख सकते हैं. फर्स्ट आंसर है इट्स गेटिंग अलोंग फाइन या इट्स गेटिंग अलोंग फैंटास्टिक. इट्स गेटिंग अलोंग फाइन मतलब बस ठीक ठाक चल रही है. ठीक है, ठीक ठाक चल रही है तो हम ये बोलेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, लेकिन ठीक से थोड़ी ज्यादा अच्छी चल रही है तो हम बोलेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फैंटास्टिक. ओके, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, तो आप आंसर बोलेंगे इट्स गेटिंग अलोंग फैंटास्टिक, क्या बोलो इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, ठीक चल रही है. ठीक है, अब देखिए सेकेंड है इसका आई एम फुलेस्ट इन माई स्टडी. आई एम फुलेस्ट इन माई स्टडी मतलब मैं अपनी पढ़ाई में एकदम खराब खराब चल रहा हूँ, एकदम बढ़िया. आई एम फुलेस्ट इन माई स्टडी, अच्छी चल रही है, एकदम से मजेदार पढ़ाई चल रही है, तो आप बोलोगे आई एम फुलेस्ट इन माई स्टडी. यहाँ पर आप वही एड करेंगे जो आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. स्टडी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप स्टडी एड करेंगे, एंड लाइफ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ लाइफ एड करेंगे. पूछा है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आंसर देंगे आई एम फुलेस्ट इन माई लाइफ. आई एम फुलेस्ट इन माई लाइफ, आप यहाँ पर ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाएगा वो ही आप यहाँ पर एड करेंगे. देखिए इसका थर्ड है आई एम एंजॉयिंग इट. आई एम एंजॉइंग इट मतलब मैं इसमें एंजॉय ले रहा हूँ. एंजॉय ले रहा हूँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, मजेदार चल रही है, मतलब मैं उसमें एंजॉय कर करके सही चल रही है, तो हम बोलेंगे आई एम एंजॉइंग इट. ठीक, अच्छा ये भी बोलते हैं. फोर्थ बोलेंगे आई एम जॉगिंग अलोंग विद टाइम. आई एम जॉगिंग अलोंग विद टाइम एंड आई एम एंजॉइंग इट दोनों ही थोड़े सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है. आई एम जॉगिंग अलोंग विद टाइम मतलब समय के साथ मैं उसमें एंजॉय ले रहा हूँ. ठीक है, मजे कर रहा हूँ. एंड फाइव है हमारा आई एम हैविंग द टाइम ऑफ लाइफ, ये भी इसी से रिलेटेड है बिल्कुल. आई एम हैविंग द टाइम ऑफ लाइफ मतलब समय, जीवन में जो समय चल रहा है उसके साथ चल रही है. जैसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में हम कम गर्मी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हैं, एंड ज्यादा तेज सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हैं. जिस प्रकार से हमारी लाइफ में चलती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वो चल रहा है, लाइफ है, स्टडी है, बिजनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलती है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग द टाइम ऑफ लाइफ. इनमें से आप कोई भी एक यूज करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए. अच्छी चल रही है, खूब अच्छी चलेगा, आप बोलिए आई फुल एज माई स्टडी, एंड ठीक ठाक चल रही है तो आई एम इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, आप उसको एंजॉय ले रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग इट. ओके, अब यहाँ तो मैं किस सेकंड पर्सन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसको आंसर दे दिया. ठीक है, आप भी तो उसी से पूछोगे नहीं कि एंड व्हाट अबाउट यू. ओके, आप भी पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू. सपोज दैट आपसे किसी ने पूछा हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपने आंसर दे दिया आई एम फुलेस्ट इन माय स्टडी. ओके, अब आप ही पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, और आप बताइए अपने बारे में, मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, आप बताओ अपने बारे में. अब देखिए जो सेकंड पर्सन है वो कैसे देगा आंसर, आपने बोला आई एम फुलेस्ट माय स्टडी, आपकी तो अच्छी चल रही है. सपोज इट सेकंड पर्सन की भी अच्छी चल रही हूँ, सेकेंड पर्सन की भी अच्छी पढ़ाई चल रही हो, तो वो क्या बोलेगा सो इज माई स्टडी. सो इज माई स्टडी, देखिए सो इज माई स्टडी,
जैसे पढ़ाई आपकी चल रही है वैसे ही मेरी चल रही है, सेम टू सेम बताना बिल्कुल। तो हम सेम हियर या सेम टू सेम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सो इज माय स्टडी, यहाँ पर स्टडी का क्वेश्चन तो आपने स्टडी बोलेंगे, लाइफ का क्वेश्चन है आपने लाइफ बोलेंगे, सो इज माय लाइफ। ओके, अच्छा मना करना है भाई, उसकी तो अच्छी चल रही है बट आपकी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है? आपकी बेकार चली गई, चल रही है पढ़ाई, क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग इट। ओके, क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग इट। और बिल्कुल बेकार चली एकदम मर मर के चल रही, तो आपने बोलेंगे किलिंग इट, किलिंग इट। ठीक है, देखो एक बार बोलते हैं हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन फर्स्ट, ठीक है? उसने बोल दिया आई एम फुल लॉस इन माय स्टडी एंड व्हाट अबाउट यू, आपकी अच्छी नहीं चल रही, मर मर के चल रही, आप बोलेंगे किलिंग इट। ओके, एंड खिजर खिजर की चल रही तो ड्रैगिंग इट। ओके, इन दोनों में से आप कोई सा यूज करो, एंड सामने वाले की जैसी चल रही तो बोल दीजिएगा सो इज माय स्टडी, सो इज माय लाइफ। लेकिन आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, हाउ इज योर वेकेशन, छुट्टियां कैसी चल रही है, ठीक है? तो हाउ इज योर वेकेशन गोइंग ऑन। अच्छा, किसी से कहना है आपका दोस्त कोई इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहा है, तो पूछना इंग्लिश क्लास कैसी चल रही है, तो हाउ इज योर इंग्लिश क्लास गोइंग ऑन। लाइफ पूछनी है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, या फिर हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, आपका फ्रेंड किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो आप उसमें तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये हमारी डेली लाइफ में काफी हम पूछते रहते हैं एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, छोटे बहन भाई से, अक्सर हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी जिस टाइम का अकॉर्डिंग चल रहा हो आप इसमें से बोल दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।